आ गई है हलवा खाने वाली बेटी रानी, बहुत पसंद है। उसमें हम इलायची भी डाले हैं। के मैं गैस पे बना रही हूँ गाजर का हलवा। इंडक्शन पे जो बना रही थी ना, तो वो ना क्या हो रहा था ना, नीचे बैठ जा रहा था इतना कि बहुत बैठ जा रहा था। हाय फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाजर। गाजर को मैं पहले ही धो ली थी और उसके बाद मैं इसको जो है कि छील रही हूँ। गाजर का बनाऊंगी हलवा। और आज ना मैं पूरा दिन काम की थी। और ये जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं ना, ये वीडियो बहुत दिन यानी कि 5-6 दिन से रखा हुआ था मेरे पास। अभी मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, तो मैं सोची इसी वीडियो को आप सभी के पास जो है कि शेयर करती हूँ। तो मैं ना 4 या 3:30 बजे से ही लग गई थी इसके तैयारी में शायद। तो आज पूरा दिन ही हम जो है कि काम में हम लगे थे। और यहाँ पे ना बच्चे लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था गाजर का हलवा का। तो मैं ना बहुत दिनों के बाद गाजर का हलवा जो है कि बना रही हूँ। अभी विंटर टाइम है तो सभी के यहाँ तो गाजर का हलवा तो बन ही रहे हैं, बना ही रहे हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। गाजर तो कई बार आए हमारे घर में, लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं थी जिसके वजह से जो कि मैं नहीं बना पा रही थी। और कभी किसका तबीयत ख़राब हो जाता है, कभी किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है। अभी हाल ही में जो अंकुश गिरा था ना, जो मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर की थी, उस टाइम भी मैं गाजर का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन उसी वजह से कैंसिल हो गया था। अंकुश ही मना कर दिया था कि नहीं मम्मी अभी मत बनाओ, क्योंकि अंकुश को अगर घाव वगैरह कुछ हो जाता है ना थोड़े से भी, तो उसको ज़्यादा ही फैल जाता है, इसीलिए वो मीठा खाने नहीं चाहता है। इस वजह से ना और भी मैं ध्यान नहीं दी थी तो नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ पे ना पेंट करने के लिए आ गए थे। अभी क्वार्टर की जो कि पेंट चल रही है, तो हमारे ब्लॉक भी जो कि पेंट होने वाला था, तो मैं चली गई थी। वो बोला था आंटी पूरा सामान यहाँ से हटा लो, तो मैं सारा सामान हटा के फिर आ गई और गाजर को घिसने लगी थी। और यहाँ ना मैं दूध भी रख दी थी। हमारे पास ना दूध 1 लीटर था, तो दूध को पहले ही रख दी थी मैं यहाँ उबलने के लिए कि थोड़ा जल जाए दूध, थोड़ा गाढ़ी हो जाए। देखिए हलवा तो गाजर का हलवा तो बनाते हैं हर सभी का जो है कि बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे भी बनाइए, गाजर का हलवा अच्छा ही लगता है। तो मेरा भी जो है ना, मैं कभी दूध और गाजर का हलवा एक ही साथ डाल देती हूँ, या फिर पहले गाजर को घी में पहले उसको बना लेती हूँ और गला लेती हूँ, मतलब सिझा लेती हूँ, उसके बाद दूध डालती हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि फिर दूध को जलाओ, फिर चीनी डालो, तो फिर पानी छोड़ देता है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। इसीलिए मैं ना दूध और गाजर एक ही साथ में डाल देती हूँ। लेकिन ना यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई थी। हम तो घी नहीं डाले थे, घी वैसे मैं बाद में इसमें डालूंगी, लेकिन बस गलती यही हुई थी कि हम इंडक्शन पे ना इसको रख दिए थे गाजर का हलवा, गाजर को और दूध को ढक करके। उसके बाद मैं लग गई थी काम में, झाड़ू वगैरह भी लगाना था शाम के टाइम का, तो मैं रख दी थी। तो क्या हुआ था ना, ये चिपक गया था, और इतना ज़्यादा चिपक गया था ना कि समझिए कि थोड़ा सा लग गया था ना कि जल गया था, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं लगा था। मैं सोची गाजर के हलवे में तो बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं ना इंडक्शन पे रख दूंगी। और अभी भी ना मैं गाजर का हलवा कम ही बना रही हूँ, क्योंकि कोई खाएंगे भी कोई नहीं भी खाएंगे, क्योंकि इस जिस टाइम हम बना रहे थे ना, तो उस टाइम करीबन अंश को भी खांसी था, तो वो भी कम ही खाया था और अंकुश भी कम ही खाया था शायद गाजर का हलवा। बस मैं और अंकुश के पापा को तो बहुत पसंद आया था, बहुत ही, फिर बस थोड़ा थोड़ा ही सभी लोग खाए थे, ज़्यादा इसीलिए हम नहीं बनाए थे कि ज़्यादा नहीं बनाएंगे और ज़्यादा दिन रखेंगे भी नहीं। तो देखिए मैंने ढक वक के रख दी थी, लेकिन ना बैठ गया था गाजर का जो हलवा है ना। मैं गैस पे बना रही हूँ गाजर का हलवा। इंडक्शन पे जो बना रही थी ना, तो वो ना क्या हो रहा था ना, नीचे बैठ जा रहा था इतना कि बहुत बैठ जा रहा था। इसलिए ना यहाँ पे बनाने लगी वो, तो ना हम देख लिए ना, तो सारा गाजर का हलवा ना जल जाता, एकदम इतना बैठ जा रहा था ना।
कि पूरा कढ़ाई जो है ना काला काला सा हो गया, पता नहीं। सोचे ऐसे भी गाजर का हलवा बनाने में टाइम लगता है, मैं सोची इंडक्शन पे बना लेंगे, लेकिन लेने के देने पड़ जाता है तो इसीलिए फिर वहाँ से हटा के फिर यहाँ रखते हैं। हाँ बना रहे हो, खिड़की ना बंद कर दी, वो खिड़की अभी खोली, पेंट हो रहा है बाहर तो मैं लोटी वाला चॉकलेट खाई वही डब्बे में, इतना दिन से नहीं खाई, बर्थडे के दिन तो खाई थी, अभी तो दो दिन हुआ है कैसे नहीं खाई है, क्या बोल रही है, इतना दिन हो गया है मैं नहीं खाई हूँ चॉकलेट, मांगने का बहाना है बोल रही है, इतना दिन हो गया नहीं मैं नहीं खाई हूँ। वो जो पानी वाला है उसी में कैसे देखा, तो बहाना तो देखिए बच्चे लोग का मांगने का तरीका बहुत, मतलब इतना दिन हो गया है नहीं खाई हूँ, हमको भी हंसी आ रहा है। मैं जब गाजर का हलवा बना रही थी ना, बहुत जल्दी बन गया था, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी जो है कि नहीं लगा था, और दूध तो हम साथ में ही डाल दिए थे लेकिन ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था, और जल्दी से ना गाजर का हलवा जो है कि बन के तैयार हो गया था, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो उसमें तो चिपक जा रहा था, यानी कि दूध जो है ना बैठ जा रहा था, लेकिन जब हम गैस पे चढ़ाए थे ना तो बहुत जल्दी से हमारे जो कि गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया था। और इसमें हम ना इलायची डाल दिए हैं, और अभी हम रिएक्शन दिखाएंगे लक्ष्मी का कैसे वह करती है इलायची के नाम से। और इसमें मैं ना थोड़ा सा डाल दी हूँ काजू और किशमिश डाली हूँ, और उसके पहले मैं इसमें डाली थी कच्चा जो नारियल होता है ना वो भी मैं डाली हूँ, और नारियल डालने से ना गाजर का हलवा इतना टेस्टी बना था ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी बनी थी गाजर का हलवा। और इसमें हम ना डाल देते हैं घी, घी डालने से तो और भी अच्छी लगने लगती है, गाजर का हलवा में घी ना हो तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए गाजर का हलवा हम बना लिए हैं, उसके बाद शाम को खाने की तैयारी बन कर रही हूँ, यहाँ पे काट रही हूँ गोभी, और अंकुश के पापा आए थे तो वो देखे कि गाजर का हलवा बन गया है तो बोले कि हमें दे दो नाश्ता, फिर वो जाएँगे अंकुश को लाने के लिए एकेडमी चले जाएँगे लेने। खा लिए हैं हलवा को, और इधर बना रहे सब्जी रात के खाने में, आ गई है हलवा खाने वाली बेटी रानी, बहुत पसंद है, उसमें हम इलायची भी डाले हैं सच्ची, और किशमिश भी डाली हूँ, चना दाल अब चूर के बाद खा रहा तू देखिए कैसे चूर के ले रही है। अंकुश पापा का शुरू से ही आदत है, अगर वो कुछ भी खाते हैं ना तो हमको ज़रूर खिलाते हैं, और यहाँ पे वो सामान का कुछ लिख रहे थे, मतलब राशन वगैरह का सामान जो घट गया था तो वही लाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी, कैसा लगा बताइए, नहीं खा करके अच्छा लगा, आ इलायची का आया स्वाद, ये आया ना, एक ही ठो में डाली थी तुम्हारे डर से, अच्छा लग रहा है खाने में ना, ठंडा होगा फिर अच्छा लगेगा, तो गर्मा गर्म है। यहीं पे एंड करते हैं, और बाय बाय, हमारी कैसी लगी आप सभी को आज की वीडियो, एंड कमेंट में आप सभी बताइएगा, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को मेरे तरफ से। और देखिए लक्ष्मी आप खा रही है, मैं यहाँ बना रही हूँ खाना।